हाँ भाई दोस्तों शुरू करें अब। नहीं बेटा वॉइस रिजेक्शन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, अभी कोई भी वॉइस रिजेक्शन नहीं होगी। क्लियर है ना? डन, शुरू करें चैप्टर 9। चले भाई दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आपके सामने इंटरनेट की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, और हम यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा स्पीड में ही हम चलेंगे, कुछ बातें करनी है, और इंशाल्लाह चैप्टर 9 का आज एक बड़ा एरिया हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, कुछ बातें जो आपको समझनी है मैं आपको वो समझाता हूँ इंशाल्लाह, थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अच्छा देखिए दोस्तों, इंटरनेट के लिए हम जानते हैं ग्लोबल सिस्टम है, सब कुछ है, ग्लोबल सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों क्लियर है ना? स्क्रीन सही है ना? ग्लोबल सिस्टम है, दुनिया भर का हम जानते हैं सारी बातें, लेकिन ये जो हाइलाइटेड चीजें हैं दोस्तों, ये नोट कर लें कि इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, मिलियंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स ऐसे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से लिंक्ड हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल है, अच्छा ये इंतहाई ड्राई तरीन एक्सप्लेनेशन है, ड्राई खुश्क। मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ यहाँ से अपने साथ, और कीजिएगा एक बात की तरफ के फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूं इंटरनेट, तो मैं आपसे ये भी तो बात कर सकता हूं कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इंटरनेट यूज किया डायरेक्टली। There must be something through which आप इंटरनेट यूज करेंगे। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, दुनिया भर के पीसीज इस पे कनेक्टेड है। तो
इंटरनेट यूज करने के लिए यकीनन कोई ना कोई रूट लिया जाएगा, वो रूट होगा दोस्तों एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाट्सएप है, अगर आप गौर करें ये एप्लीकेशन के पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इस एप्लीकेशन के पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इंटरनेट। तो पता चला इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन चलती हैं, खुद इंटरनेट अपने आप में अकेले कोई चीज नहीं है, तो किसी मीडियम के थ्रू यूज होता है। अब चाहे वो गूगल क्रोम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए गौर करते हैं, अब क्या बात, अब देखें इसको मेरे दोस्तों लर्न करना है। अगली बात क्या है दोस्तों, अगली बात है वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़ी देर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही डल सी लगेंगी, आगे अभी आपको मॉल बन जाएगा। इंटरनेट में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे ईमेल है, कम्युनिकेशन के लिए स्काइप है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जो ग्लोबल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेस। अब आप हैरान होंगे एक बात से, आप जो मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हैं मेरा सवाल ये है कि ये एप्लीकेशन क्या डायरेक्टली कोई चीज है या इसके पीछे कुछ होता है। जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर आप ऐप फ्रंट फेस पे यूज कर रहे हैं, आप यूजर हैं, आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं, ये ऐप बैक साइड पे क्या होता है। मेरे दोस्तों ऐप डेवलप होती है ऐप की बैक पे, तो प्रोग्रामिंग होती है वो अपनी जगह और इंटरनेट होता है वो अपनी जगह, लेकिन जब आप इससे कुछ सवाल पूछते हो एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन से कहते हो कि यार वो फला चीज मैंने स्टोर की थी वो निकाल के दो, तो वो ऐप क्या करती है, वो ऐप ये करती है आसान लफ्जों में एग्जांपल लेते हैं गूगल ड्राइव। उसके ऊपर 50 GB का, सॉरी 5 GB का डाटा है, आप एक न्यू फोन यूज करते हो, न्यू आप यूजर हो और दोस्त एप्लीकेशन कौन सी है बताओ, एप्लीकेशन कौन सी दोस्तों, रसन जी का एप्लीकेशन लेट से है गूगल ड्राइव। तो इसको इतना समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है प्लीज, ये ऐप गूगल ड्राइव है। अब इस गूगल ड्राइव की शक्ल पर, जो इसकी शक्ल बनी हुई है ना, जो इसका फेस है, फेस ऑफ एप्लीकेशन, इस पे खाली फाइल के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, फाइल नेम्स नजर आ रहे हैं, फाइल एक्चुअली में फाइल सर्वर पे मौजूद है। फाइल एक्चुअली फाइल सर्वर में मौजूद है और मेरे दोस्तों ये फाइल सर्वर
ये फाइल सर्वर कनेक्टेड है, ये देखें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ने ताल्लुक बात करी आगे वेबसाइट से और वेबसाइट का लिंक बना फाइल सर्वर से और ये वेबसाइट फाइल सर्वर से लिंक है, ये यहां से फाइल उठाएंगे, ये फाइल यहाँ पे स्टोर्ड है फॉर एग्जांपल, और ये फाइल को उठाया जाएगा, एक फाइल दो फाइल इनको उठाया जाएगा, ये फाइल ये पूरी पैक होंगी, ये फाइल जाएंगी वेबसाइट के रास्ते होते हुए एप्लीकेशन से यूजर को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, एक्सेस टू फाइल। तो अब पॉइंट क्या समझना है, अब पॉइंट ये समझना है कि असल में एप्लीकेशन तो एक ढांचा है, एप्लीकेशन की बैकएंड पे वेबसाइट चलती है, ठीक है। अच्छा अब सर ये किताबी बातें नहीं है, सर ने खुद अपनी एप्लीकेशन बनाई बनवाई, अपनी एप्लीकेशन को खुद चलाया है प्ले स्टोर से, अपनी वेबसाइट रखी है, सब चीजों का खुद लाइव किया हुआ है, तो आइडिया है और मैं आपसे लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो जितना ये क्लियर होगा ना उतनी मेरी आगे बातें क्लियर होती जाएंगी, ये क्लियर है दोस्तों को सबको, बढ़ जाओ आगे। अगली डेफिनेशन आ रही है दोस्तों सर्वर, लेकिन एक बात समझो यार, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यार मेरे पीछे बिल्कुल खामोशी है दोस्तों, बिल्कुल खामोशी है, कोई बोल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करे कहां से आवाज आ रही है, चलो थोड़ी देर गौर करो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखो बात समझो, मैं ये कहता हूं कि भाई बहुत अच्छा राइडर है, बिल्कुल प्रॉम्प्ट आइटम्स डिलीवर कर देता है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, स्पीड प्लस सेफ दोस्तों, एक तरफ है ड्राइवर और एक तरफ बेटा मेरे पास तो हेडफोन है ही नहीं, मैं एक मिनट कुछ लोगों के लिए बोलता हूँ, एक मिनट चेंज करता हूँ दोस्तों, अब बताओ आवाज कैसी आ रही है, अब बोलो तो मैं इस तरह पढ़ाऊंगा जैसा बोलो तुम लोग, पहले से बेहतर है, देखो ना यार अब बोल रहे हैं पहले बेहतर थी, आधे लोग बोल रहे हैं नॉट सो गुड, सर अब हल्की हो गई है, और अब बताओ आवाज कैसी है, अब बताएं कैसी आवाज है, अब बताएं यार, मतलब ये सही है ना यार, मैं इसी तरह चलता हूं, ठीक है सही है, चलो थैंक यू, थोड़ा सा बस साथ साथ चलो यार प्लीज, थैंक यू। अच्छा दोस्तों हम बात सुनते रहो, चलो तो मैं कह रहा था ड्राइवर ऐसा है कि जो कहता है मैं वक्त पे ही पहुंचा दूंगा और सेफली पहुंचा दूंगा, हम कहेंगे यार ड्राइवर होना ही ऐसा चाहिए कि जल्दी भगाना हो तब भी अच्छा हो और सेफ भी हो, राइडर वो अच्छा है, हमें आज के दिनों में तो राइडर की बहुत कदर हुई है सबको, क्योंकि सबके बहुत सारे काम जो है राइडर्स पे डिपेंड हो चुके हैं, खाना पीना भी राइडर्स के जिम्मे हो गया है, तो राइडर्स का अच्छा होना और इस ड्राइवर्स का अच्छा होना ये शो करता है कि
आपकी कंफर्ट शो करता है कि आप इनसे मुतमईन हैं, आप इनसे सेटिस्फाइड हैं और आपको इनसे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात पे गौर करें, तो बात दोस्तों ये है कि ड्राइवर को ड्राइवर इसलिए करते हैं क्योंकि वो ड्राइव करता है, ये राइड करता है। इसी तरह दोस्त जो हमें सर्व करेगा, हमारी खिदमत करेगा, उसको हम बोलेंगे सर्वर। सर्व करने वाला सर्वर, अब वो हमें क्या सर्व कर रहा है ये एक अलग बात। अगर हमें वो हमारी फाइल्स को सर्व कर रहा है, हमारी फाइल्स उसके पास हैं, हम जब चाहते हैं उसको बोलते हैं हमें ये फोल्डर दे दो, हमें ये इमेज दे दो, हमारी ये पीडीएफ फाइल दे दो, वो कहता है जी साहब डाउनलोड कर लो जी ड्राइव से। ऐसे सर्वर को फाइल सर्वर कहते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों? इसी तरह एक और बात भी है, वो भी समझो। एक और बात ये कि जैसे ये फाइल सर्वर है, इसी तरह जो गेम को होस्ट करेगा वो गेम सर्वर, जो प्रिंटिंग फैसिलिटी देगा वो प्रिंट सर्वर। आसान बात है, मुश्किल तो नहीं है बेटा, थोड़ा सबर करो। ठीक है, इसी तरह ईमेल सर्वर। बेटा इससे ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, बाकी तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं नहीं चाहता मैं तुम लोग को किसी तरह भी तंग करूं। तो जो वेब की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? वेब सर्वर। आसान? वर्ल्ड वाइड वेब। अब सुनो, तो वर्ल्ड वाइड वेब के पीछे सब जगह सर्वर ही सर्वर है, ठीक है। आई होप हमारी क्लास में कोई सर्वर नाम का बंदा ना हो। इंटरनेट होस्टिंग, अब आओ, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दोस्त, नाम बताओ उसका। इंटरनेट सर्वर, केबल नेट वाला, जिनसे लोगों के घर में इंटरनेट मंथली बेसिस पे लगा हुआ होता है, वो क्या होता है? इंटरनेट होस्ट होता है, ठीक है। आगे आओ, अगली बात, आईपी एड्रेस। मुझे सीधे सीधे ये बताओ, आईटी में ये कवर किया हुआ है या नहीं? जल्दी बताओ, आईटी में ये कवर किया हुआ है या नहीं? क्या बोल सकते हैं भाई, शाबाश, लोगों ने कवर किया हुआ है। ये कह रहे हैं स्वयं सर्वर आईपी पिंग सब किया हुआ है, कवर्ड कवर्ड, मुझे नहीं पता। उबैद, मुझे नहीं पता। वाह उबैद भाई, कहाँ हो? आईएसपी, बेटा ये मशहूर है जमाना, आईएसपी बताता हूँ, जिसको आप लोग बहुत दुआएं देते होंगे। पीटीसीएल, सबर करके जियो, ठीक चलो। आगे दोस्त, में टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है ना, तुम लोग अग्रीड हो, मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा, आगे बहुत कुछ है बताने को। नेक्स्ट बात, ओए ओए, ये क्या है? हाँ भाई दोस्तों, नैनो एम्बुलेंस। ओ भाई एम्बुलेंस है तो मरीज कहाँ जाएगा?
आई एम बात करते हैं, ये सिर्फ आपको भी थोड़ा सा मैं कुछ देगा। अब कुछ पल्ले पड़ा दोस्तों को बताओ। बताओ भी दोस्तों, अब कुछ पल्ले पड़ा यहां तक। ये ड्राइवरलेस कार है, शाबाश। ड्राइवरलेस कार, जी ये कॉन्सेप्ट है। सवाल है कि सर सीट क्यों है, बहुत आला सवाल है, तुम लोग ही जवाब दो बेटा, सीट क्यों है फिर इसके अंदर, जल्दी। ये वही बात, पैसेंजर के लिए, गाड़ी अकेले कहाँ जाएगी भाई, गाड़ी के अंदर सीट ना हो तो फिर गाड़ी कहाँ खुद जाएगी, गाड़ी का दिल चाह रहा है गाड़ी यहाँ चली जाए, गाड़ी वहां चली जाए, भाई लोग तो ट्रेवल करेंगे ना। अब समझ में आई बात, ठीक है, शाबाश, गुड। अब अगली बात पे आओ, ऐसा होता है कुछ, ये वो बातें हैं जो इंशाल्लाह आगे किसी वक्त आईटी से रिलेटेड बातें हैं कि किस तरीके से चीजें एंगेज होंगी, और ओब्वियसली किसी ना किसी दर्जे में ये सब चीजें आएंगी और मार्केट में हमें भी नजर आएंगी। आते हैं थोड़ी सी इस ब्रेक के बाद, क्योंकि आईटी के अंदर बीच में बहुत सारे आपको छोटे छोटे ब्रेक चाहिए होते हैं। वेबसाइट होस्ट, दोस्तों वेबसाइट होस्ट किसे कहते हैं? वेबसाइट होस्ट दोस्तों, जो हमें, जिसके पास मेरी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, जिसके कंप्यूटर में वो होस्टिंग सर्विसेज वाले, फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट डॉट कॉम है, इनके पास मेरी वेबसाइट रखी हुई है, वेबसाइट मेरी है, माय साइट, और ब्लू होस्ट वाले इसकी होस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर में रख के थोड़ी काम कर सकते हो, आप तो इसकी होस्टिंग करवानी पड़ती है इंटरनेट पे, और होस्टिंग की सर्विसेज देने वाले अलग लोग हैं। तो जो आपकी वेबसाइट रखेगा वो वेबसाइट होस्ट हो गया, और सिर्फ वेबसाइट रखना नहीं होता, होस्ट की मेहमान नवाजी करनी होती है, ठीक है। अगली बात है दोस्तों बैंडविथ, जरा इसको समझिएगा, जरा इसको समझिएगा, एक मिनट दोस्तों। बैंडविथ दोस्तों कहते हैं स्पीड को, बैंडविथ कहते हैं दोस्तों स्पीड को, क्या मतलब सर स्पीड को कहते हैं दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बैंडविथ का असल कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, हम कहते हैं ना ज्यादा बैंडविथ आ रही है, कम बैंडविथ आ रही है, ये ज्यादा बैंडविथ और कम बैंडविथ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि स्पीड ज्यादा आ रही है, स्पीड कम, सही, स्पीड ज्यादा या स्पीड कम, तो एक वक्त में जी हाँ, कहा बिल्कुल गुड गुड, ये हुई ना बात, कितना डेटा ट्रेवलिंग कितनी तेज है, ये चीजें इसमें आती है बैंडविथ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई, अच्छा जवाब दिया। अगली बात, वेबसाइट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस बात से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं खुद। आप में से कोई स्टूडेंट क्विकली, चलें पहले मैं पूछ लेता हूं फिर बाद में समझने वाला सवाल करेंगे, ठीक है,
अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ कॉपी करना ही है, ठीक है? अब आपने कॉपी करना है, ठीक है? अब माई प्लान इज टू डेवलप अ वेबसाइट फॉर माई स्टूडेंट टू गेट दी स्टडी मटीरियल एंड एग्जाम क्वेश्चन एंड एग्जाम मटीरियल फॉर एग्जाम्पल. नाउ फॉर दिस वॉट स्टेप्स विल आई फॉलो, वॉट शुड बी द बेस्ट वे, आए इस पर बात करते हैं. स्टेप नंबर वन, in order to have the website, I'll go to a website developer. मैं उसे कहूंगा भाई मेरी वेबसाइट बनानी है. वो कहेगा सर वेबसाइट कैसी बनानी है, क्या बनानी है. मैं वो मुझे सैंपल शो करेगा, मैं एक वेबसाइट डन कर दूंगा, इतने इतने पैसों में वेबसाइट डन हो जाएगी. सही है, इतने इतने पैसों में वेबसाइट डन हो जाएगी. सही. नंबर टू, वेबसाइट डन होने के बाद मैं कहूंगा भाई गूगल क्रोम पे नजर नहीं आ रही, तो ये बोलेगा वेबसाइट रेडी हुई है, एड्रेस तो खरीदो इसका. एड्रेस को बोलते हैं डोमेन. तो मैंने पहले एक बार पैसे दिए वेबसाइट के बनने के और एक बार पैसे दिए मैंने डोमेन के खरीदने के. मैंने कहा अभी भी नहीं आ रही, तो कहेगा भाई वेबसाइट को किसी वेब होस्ट के पास होस्ट करवाओ, वो आपकी वेबसाइट को पब्लिश करेगा. मुझे ये तीनों काम करने हैं तब जाकर, मुझे तीनों काम करने हैं तब जाकर मैं
इस मकाम पर पहुंचूंगा कि मेरी वेबसाइट गूगल क्रोम पे नजर आ रही होगी। गौर कीजिएगा, तीन बातें नोट कर लें। कौन सी तीन बातें? कौन सी तीन बातें? एक ये कि वेबसाइट बनेगी, दूसरा डोमेन होगा, तीसरा वेब होस्ट होगा। दोस्तों को ये बात क्लियर हो गई? आसानी से क्लियर हो गई, मुश्किल तो नहीं है। वेब होस्ट यूं समझ लें, आपने वेबसाइट बना ली ना, तो इंटरनेट की एक बहुत बड़ी जमीन है। ये जमीन पे जो चीज मिलती है रेंट पे मिलती है। किन से मिलती है? वेब होस्टिंग वालों से। मेरी वेबसाइट है 10 GB की, मैं तकरीबन 20 GB की होस्टिंग ले लूंगा सेफ साइड पे। कुछ समझ में आ रही है बात? आओ ये पिक्चर देखो, देखो घर दिख रहा है, ये वेबसाइट है, तामीर है, ये एड्रेस दिख रहा है, ये डोमेन नेम है, ये जमीन किसकी है? बैरियर डाउन की? नहीं, होस्ट की है। ऐसी एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह याद रहेगी। अगर कोई होस्टिंग खरीद ले और डोमेन नेम खरीदे और उस पेज पे चला जाए, तो उस पेज पे जाके उसे कोई खास फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पेज पे कुछ डला हुआ ही नहीं है। क्या फायदा होगा? बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना, ये वही 10 GB है समझो, जो एक्सेस लिया है मैंने। कल को थोड़ी सी एक्सटेंशन करनी है, कुछ करना है, तो कुछ जगह तो हो मेरे पास। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब दोस्तों अगली बात, यहां तक तो मुश्किल नहीं है ना। अब अगली बात पे चलते हैं। ये बेटा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के लिए, आपकी हेल्प के लिए है। इसकी पिक्चर लेना चाह रहे हो, पिक्चर ले लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। डन हो गई बात, आगे बढ़ जाऊं। अगली बात, ये भी मैंने आपकी लर्निंग के लिए डाला हुआ है, इसकी सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके कोर्स का यूं पार्ट नहीं है। कोई ना भी ले स्क्रीनशॉट तो कोई गुनाह नहीं है। अगली बात, डोमेन नेम की एग्जांपल है। ठीक है, अगली बात, सब डोमेन्स किसे बोलते हैं? ये जो स्टोर डॉट एप्पल, सपोर्ट डॉट माइक्रोसॉफ्ट, डोमेन से पहले ये जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना, इसको बोलते हैं सब डोमेन। मेल डॉट गूगल डॉट कॉम, मेल डॉट याहू डॉट कॉम, इमेजेस डॉट गूगल डॉट कॉम, वीडियोज डॉट गूगल डॉट कॉम, मैप्स डॉट गूगल डॉट कॉम, जी ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, ये सब फॉल्स डोमेन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक डॉट कॉम स्लैश मोहम्मद साद अल्ताफ स्लैश फॉर एग्जाम्पल अशर स्लैश फॉर एग्जाम्पल ताहा स्लैश मोहम्मद हुजैफा मेमन, ये जो सब नाम है ना, ये डायरेक्टरीज कहलाती हैं, समझ रहे हो? ये डोमेन नहीं है, ये जो स्लैश लग के आता है। अगली बात, डोमेन नेम रजिस्टर कैसे करते हैं? ये जस्ट जस्ट रीड करके फारिग कर दो, ये बुक का बिल्कुल पार्ट नहीं है। मैंने अपना डोमेन रजिस्टर करवाया था, मैं नाम दे रहा हूं, कोई चाहे तो उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है, bluehost.com। ये कुछ प्राइसिंग है, अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये प्राइसिंग होती है इस तरह की कुछ। देखिए डॉट कॉम एक्सपेंसिव है,
डॉट को भी एक्सपेंसिव है, डॉट इन्फो देखें सस्ता है, डॉट ओ आर जी एक्सपेंसिव होता है, डॉट नेट पर सस्ता होता है, डॉट एम ई सही है, क्लियर हो गई बात। फिर डॉट यू एस देखो। अगली बात, दुनिया में कितने सारे पीसीज जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, ये बता रही है पिक्चर कि दरअसल ये आपके सर्वर से ताल्लुक है। और अब मुझे तुम लोग चैट में बताओगे कि ये सर्वर एक्चुअली किधर किधर इंस्टॉल, ये फिजिकली किधर है। मेरा ऑफिस कराची में है, बादराबाद पे है। मैं आपसे ये कहता हूं कि वो सर्वर जहां से आप मेरी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो वो सर्वर एक्चुअली कहां है। नादरा, ओ भाई बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे। वेब होस्ट के पास ना, सीधी बात, अब वेब होस्ट यूएसए में फॉर एग्जांपल, तो किसी जगह न्यूयॉर्क के अंदर कोई जगह होगी, किसी और जगह दूर जगह कोई जगह होगी, उसके पास होगा ना दोस्त, फिर भी बात तो हाँ समझे तुम। चलो बेटा, फॉल्स डोमेन इसे कहते हैं कि जो डोमेन के आगे स्लैश करके डायरेक्टरी दिखा रहा होता है वो, ठीक है। अगली बात, यू कैन होस्ट योर वेबसाइट ऑन योर ओन सर्वर। ब्लू होस्ट मुझे बेटा यूएसए का लगता है, ये बात भी हमारी बुक में नहीं है। कोई ये बोले कि सर मैं तो अपनी वेबसाइट खुद होस्ट करूंगा, तो उसे वेब होस्टिंग का पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा ना, उसे वेब होस्टिंग का पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा दोस्त। इसका मतलब पता है, ये भी बना, वो ये बोल रहे हैं मैं तो जहाज में नहीं उड़ूंगा जब तक मैं अपनी एयरलाइन नहीं लूंगा, समझ रहे हो, ऐसा आदमी। मैं तो मार्केट से कोई चीज नहीं खरीदूंगा जब तक मैं उसकी फैक्ट्री ना बना लूं। भाई वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है, आप इतना बड़ा वेब होस्टिंग का सेटअप नहीं चला सकते दोस्तों। ये आप पढ़ेंगे, मैं खामोश हूं, और मुझे कंफर्म करेंगे दोस्तों। वैसे ये मैं घर के लिए देता हूं, मैं चाहता हूं ये अभी अभी आप पढ़ लो, अभी अभी पढ़ लो प्लीज। हाँ भाई दोस्तों, कुछ देर थोड़ी सी आवाज कम आएगी, वो माइक की तरह बैटरीज रिप्लेस हो रही है, ठीक है। आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उनको जो पब्लिश करेगा ना, पब्लिश करना होता है, ये वेबसाइट होस्ट करेगा, फिर दुनिया भर के कंप्यूटर्स तक ये पहुंचाने वाला पीछे यही होगा। जैसे ही कोई दुनिया में आपकी वेबसाइट का नाम एंटर करेगा तो वो वेब सर्वर से रिश्ता जोड़ेगा और आईपी एड्रेस के थ्रू वो पहुंच जाएंगे वहां तक और उनको वेबसाइट नजर आ जाएगी। अगली बात देखें, ये स्टेप्स बता दिए बेटा, ये तो स्टेप्स है।
फिर है वेब होस्टिंग फीस विल ऑल्सो टिपिकली वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दिस स्पेस योर साइट विल यूज। कह रही है इस पे डिपेंड करेगा कि आप उनसे कितने जीबी लेते हो, कितनी जीबी की होस्टिंग है, 100 जीबी की, 50 जीबी की, 25 जीबी की, ये तो आप जानते हैं, 20 जीबी की। जितना कम होगा उतने पैसे कम होंगे, ज्यादा ना पैसे बढ़ जाएंगे। द बैंडविथ अ साइट विल यूज, कितनी बैंडविथ एक साइट यूज करेगी, यानी स्पीड। एक मिनट रुके, हाँ देखें, स्पीड अगर फॉर एग्जांपल देखिए, बात समझे, थोड़ा सा गौर कर लें इस पे, अभी इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। वो ये दोस्तों के जब आप ये देखेंगे ना कि हमें क्या फायदा है सर, आपका सवाल होगा सर हमें क्या फायदा, तो मैं जवाब देता हूँ भाई, हमें फायदा है जिस कंपनी को हम अपनी वेबसाइट दे रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पब्लिश करो, तो ये देना जरूरी इसलिए कि हम खुद नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी वेब होस्ट से सर्विसेज लेनी होती है। यानी यूं समझ लें, वेबसाइट को पब्लिश करने में मैं और आप आजाद नहीं है, बल्कि मेरे और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं कि हम आजादी से अपनी वेबसाइट खुद पब्लिश नहीं कर सकते, हमें मजबूरन वेब होस्ट तक जाना है। क्लियर हो गई बात? दोस्तों एक सवाल है बेटा, खुद तो फिर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी ना, आपने कहा मैं तो कोरोला नहीं खरीदूंगा भाई, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं पहले टोयोटा बनाऊंगा अपने हाथों से, फिर नई कोरोला बनाऊंगा, आपको लोग क्या बोलेंगे, भाई क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? वेबोस्ट बहुत है दुनिया में यार, दुनिया में वेबोस्ट बहुत है, बहुत। अब बात सुनो, अब सुनने वाली बात दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, रेडी हो सर? दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी होश संभालने के बाद अपनी रेसिडेंस इन्ना लिल्लाहि आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बिस्मिल्लाह, एक मिनट बेटा। दोस्तों आप देखें स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स डिसाइड दैट दैट वी विल चेंजिंग द रेसिडेंस फ्रॉम
फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई कोई जगह बताओ। तो बताइए भाई दोस्तों, तो गुलिस्ताने जौहर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने नाम आया, एंड ये ऑप्शंस हैं एक, और लेट से भाई एक और ऑप्शन बताओ। स्कीम वन, केडीए स्कीम वन, बहादुराबाद। अब जरा इसको समझिएगा, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। रेडी है सर? अब एक्टिविटी शुरू हो रही है। रेडी है सब? अब मुझे सिर्फ कुछ चीजें पूछनी है आपसे, पूछो। चलें, सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आप सामने रखोगे व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट चेंज ऑफ लोकेशन। बताओ। एनी थ्री थिंग्स। नॉन रिकरिंग नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, तीन बातें। और सराउंडिंग्स हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक हो गया, जबरदस्त बेहतरीन बातें करनी। सवाल चेंज कर देता हूं, हाउ डू यू सेलेक्ट कैसे अपने लिए बेस्ट वेब होस्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे? सवाल। बताएं जी, आई ना बातें, जबरदस्त। बस ये बातों के लिए सब तैयार किया था मैंने आपको। बैटरी का क्या हुआ? एक लाया दो तीन। चलें दोस्तों, रखिए ना एसी के बुक्स यहाँ पे।
दोस्तों ये फैक्टर्स हैं जो आप वेब होस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। देखें ये वो फैक्टर्स हैं। पहली बात है दोस्तों अप टाइम परसेंटेज। दोस्तों अप टाइम परसेंटेज जानते हैं किसे कहते हैं? दोस्तों अपसाइड अप टाइम परसेंटेज जिसे कहते हैं, कि इनके वेबसाइट होस्ट के बारे में ये इनका डाउन टाइम यानी कितना है। इन अदर वर्ड्स डाउन टाइम कहते हैं दोस्तों कितनी देर लाइट जाती है, यानी कितनी देर इनका सर्वर अभी तक बंद रहा है। मिसाल के तौर पे 1 साल में कितनी देर, तो लेट से अगर आगे बोला जाए कि इनका सर्वर का अप टाइम है 99.9999, तो ये अच्छा है, या इनका अप टाइम है 99.90, कौन बताएगा? ओए क्या बोल रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सोचो, रुको 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 रुको, रुको नहीं लिखो नहीं लिखो, देख के बताओ कौन सा बेहतर है। मैं कह रहा हूं कौन सा बेहतर है, 90 कैसे बेहतर हो सकता है यार? 9999 ज्यादा है या 90 बड़ा है यार? 999, हाँ शाबाश, ये बेहतर है, ये एक बात हो गई। स्टोरेज स्पेस कितने जीबीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये भी कंसिडर करोगे। आप बड़ी वेबसाइट है, आपको वीडियोस भी अपलोड करनी है अपने लेक्चर्स की, आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात है दोस्तों ई कॉमर्स। होस्ट का डाउन टाइम बेटा जितना कम होगा उतना अच्छा है, और अप टाइम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अगर अप टाइम आ रहा है बेटा होस्ट का हुजैफा 1, तो बेटा अप टाइम का मतलब 100% ये लोग अब तक कभी बैठे ही नहीं। कभी जाके साल में 10 सेकंड के लिए सिस्टम बंद हुआ था, तो ये बनेगा। आई बात समझ में? हाँ भाई उजैफा बताओ बताओ बताओ। अगली बात है ई कॉमर्स, इसका ताल्लुक है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग से। तो अगर वो ई कॉमर्स वाले ऑनलाइन पेमेंट के लिए तसल्ली देते हैं, मतलब हमें प्रोटेक्शन देते हैं, कंट्रोल्स देते हैं, तो अच्छी बात। लेकिन अगर वो नहीं देते, तो हमें ई कॉमर्स के बगैर वो हो सकता है वो हमें होस्ट महंगा लगे। नेक्स्ट बात, टेक्निकल सपोर्ट। तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा।
तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी अभी। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब मैं वापस पूछूंगा, फिर बताना कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है। अब सही नहीं लगा, सही नहीं लगा सर, नहीं आ रही। अब आएगी वापस, देख सकते इसमें पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, ये सवाल ये है कि ये इसमें कैसे ई कॉमर्स आ गया? तो ई कॉमर्स दोस्तों जवाब ये है कि यार ई कॉमर्स का केस कुछ इस तरह से है कि आपकी वेबसाइट जो होगी, जिससे होस्टिंग ली होगी, आप जब उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन लोग अपने कार्ड नंबर और लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे। तो लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सब डालेंगे, जब उनको आपकी आप उन्हें तसल्ली दे सकेंगे कि भाई मेरे पास होस्टिंग ऐसी जगह से है कि डाटा कहीं लीक नहीं होगा। अब बात समझ में आई? डन है? अच्छा जी, अगला सवाल, टेक्निकल सपोर्ट। मेरे दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट ये है कि बेटा आई एम सॉरी, ये कुछ माइक का मसला हो रहा है, मैं वापस से बगैर माइक के बोलता हूँ। अब सही है आवाज अभी फिलहाल? चलो भैया, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो दोस्तों। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वेबसाइट होस्ट हमें किस किस वक्त सपोर्ट दे रहा है। 24/7 दे रहा है, 5 आवर्स में रिस्पॉन्स देता है, लाइव सपोर्ट देता है, इंडिविजुअल सपोर्ट देता है, वीडियो ट्रेनिंग्स देता है, किस तरह वो सपोर्ट देता है दोस्तों, ये आता है आपके पास दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट में। और ये भी मैटर करता है आपकी प्राइसिंग के पीछे, कि आप प्राइसिंग या सिलेक्शन के पीछे कि आप किस को सेलेक्ट करेंगे एज योर वेब होस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? डन है? अगली बात, बैंडविथ। बैंडविथ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं। यहां से आगे बढ़ता हूं, नंबर ऑफ डोमेन्स एंड ईमेल्स। आपने देखा होगा वेबसाइट के लोगों के ईमेल एड्रेसेस होते हैं, फला एट द रेट ऑफ फला कंपनी, फला एट द रेट ऑफ फला कंपनी। जैसे मेरी जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी उसका नाम था, अभी ये डोमेन मैंने भी एक्टिव नहीं रखा हुआ, अभी एक और डोमेन इंशाल्लाह आ रहा है कुछ दिनों में, और उसी डोमेन पे मेरा इरादा है अपनी एप्लीकेशन को भी लाइव करने का। तो msaofficial.com ये पहला डोमेन था। इसमें जो मेरा पैकेज था उसके अंदर ये था कि अनलिमिटेड जितनी ईमेल आईडीज बनानी है, यानी फॉर एग्जांपल तलहा एट द रेट msaofficial, अब्दुल रहमान एट द रेट हुजैफा एट द रेट उफक सुहैमा, कोई भी, ठीक है एक बात। और इसी तरह कितने डोमेन्स देते हैं ये सर्विस, ये भी मैटर करती है कि आप कितने डोमेन्स देते हैं। कभी तो आप सर्विस सर्वर लेते हैं ना, आप जब वेब होस्टिंग लेते हैं तो डोमेन सस्ती चीज होती है, डोमेन सस्ते में मिल जाते हैं, असल चीज होती है वेब होस्टिंग। ये इंसान का जो है ना खून पी लेती है, इसको ढूंढना, इसको ऑर्गेनाइज करना, सही जगह से वेब होस्टिंग लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है?
अगली बात चलते, अगली बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आ जाओ आज की आखिरी बात पे, वेब होस्टिंग की टाइप्स की आखिरी बात पे, ठीक है। दोस्तों एक होती है फ्री वेब होस्टिंग, फिर दोस्तों फ्री वेब होस्टिंग वो होती है बेसिक होगी। अब फ्री वेब होस्टिंग दे रहा है तो आपको स्पेस भी कम देगा, यानी कि सिर्फ जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक बंदा या किसी कोर्स में वेब होस्टिंग सीख रहा है तो वो उस पर ट्रायल कर सकता है, ट्रायल पर्पसेस के लिए, लर्निंग पर्पसेस के लिए। तो फ्री वेब होस्टिंग वाले वो होते हैं जो जो अपनी होस्टिंग देते हैं तो साथ साथ पे डोमेन भी दे देते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है वो यूं होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक x32y50.com ये खरीद लूं, मैं कहूं हाँ भाई किसको अपना हाथ साफ करना है वेबसाइट होस्टिंग पे, तो जब ये कहूंगा कि भाई किसको अपना हाथ साफ करना है होस्टिंग में और आप आगे फ्री अकाउंट बनाएंगे, तो आपका लेट से नाम है, क्या नाम आ रहा है आखिरी, हुज़ैफा, तो यू बन जाएगा हुज़ैफा डॉट x32y50.com। ऐसा भी होता है और मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। ओबियसली इसमें हर चीज लिमिटेड होती है, टाइम भी लिमिटेड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अगली बात, स्टैंडर्ड होता है सारा बेसिक पैकेज, बेसिक स्टार्टर पैक, आपने अपना सेल्फ बेसिस पे वेबसाइट क्रिएट की, अब आपने डोमेन खरीदा afcstudent.com, और आपने स्टैंडर्ड पैकेज ले लिया, सस्ता सस्ता है। इसमें क्या होगा मिसाल के तौर पे, सिर्फ 5 GB की जगह होगी, 5 ईमेल्स होंगी, डोमेन एक ही होगा, सपोर्ट ओनली 9 to 5 होगी, ईमेल सपोर्ट होगी खाली, लाइव चैट नहीं होगी वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं, यही सब चीजें दोस्तों, क्या मतलब इस तरह की चीजें स्टैंडर्ड में पैकेज में तैयार की जाती हैं। स्टैंडर्ड पैकेज जैसे आपके सेलफोन में होता है ना, आप कोई कार्ड लोड ना कराओ तो वो जो एक कॉल के 2-2 रुपए चार्ज कर लेते हैं, एक मैसेज के 2 इतने कितने चार्ज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैकेज, ठीक है। अगली बात, जो दूसरे तुम लोग के सवाल है ना लर्निंग वाले, इन सवालात को अभी रोको, इनका मैं जवाब फिर अलग से दे दूंगा, हम व्हाट्सएप पे चैट का सेशन रख लेंगे या गपशप कर लेंगे एंड में, अभी नहीं, पहले जरा मैं ये कवर करूं, फिर सवालात को नोट करो, आईटी के बारे में ऐसे बेसिक सवाल इंशाल्लाह फिर ले लेंगे एक साथ। अगली बात, डेडिकेटेड और ई कॉमर्स, इसको अभी अभी आपने बुक से देखना है, 3 मिनट्स जल्दी, लेकिन सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, इसके बाद एक और भी आएगा, वो ये है, 3 डेडिकेटेड ई कॉमर्स एंड क्लस्टर्ड प्लस कोलोकेशन, ठीक है, यहां पे नहीं लिखा हुआ कोलोकेशन,
ये चार आपको पहले रीड करने होंगे, जल्दी करो, जल्दी 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 बुक निकालो दोस्तों, बुक का पेज नंबर बताओ। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों को? हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग ब्रेक पे तो नहीं गए ना? आप लोग ब्रेक पे तो नहीं चले गए ना कहीं? साथ हो ना भाई, आप ब्रेक पे तो नहीं गए ना? चलिए भाई शुक्र, शुरू करें दोस्तों। अच्छा भाई दोस्तों, रीडिंग कर ली। चार चीजें मुझे आपसे समझनी है,
डेडिकेटेड में वो ये करता है कि वो आपके लिए होस्टिंग का पीसी अलग रख देता है, ऐसा ही है। दोस्तों बिस्मिल्लाह, यार ये मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही यार? आप लोग कहाँ हो यार? क्यों नहीं आप लोग व्हाट्सएप पे हो, उस पे चैट पे क्यों नहीं हो? थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो, तो दोस्तों डेडिकेटेड समझाओ ना, सर्वर अलग होता है, जबरदस्त, शेयर्ड नहीं होता। शेयर्ड होस्टिंग समझते हो आप लोग? भाई एक कंप्यूटर है, उससे पता नहीं कितने लोगों की वेबसाइट्स एक साथ शेयर्ड हुई हुई है। तो कोई बात नहीं, दूसरों की वेबसाइट अगर इसमें है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ओन्ड बाय द यूजर होता है, प्लस इसमें रूट एक्सेस मिल जाता है कि सर्वर उसको एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटी होती है। ई कॉमर्स तो बहुत आसान है, वो बताओ। मेरे दोस्तों ई कॉमर्स बताओ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सेलिंग एंड बाइंग वाली बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। बेहतरीन दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों, जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच। गुड यार, आप लोग के पढ़ने का इंटरेस्ट दिखा मुझे। ये एसएसएल सर्टिफिकेट्स होती हैं, और दूसरी जब ऑनलाइन बाइंग साइंग कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर वो दिख रहा होता है ब्राउजर में किस वेबसाइट को, वो बोल रहा है कि यार इधर पेमेंट करो, दराज है, तो वो बोल रहा होता है यार ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए सिक्योर है या नहीं है। जो वेबसाइट नहीं होती वो बोलता है भाई इधर तुम अपनी आईडी मत डालना, इधर अपना कार्ड नंबर मत डालना, वरना फंस जाओगे। क्लस्टर्ड बताओ, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड की बारी। दोस्तों क्लस्टर्ड की बारी, क्लस्टर्ड। एक वेबसाइट को 3-4 वर्ष में जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑन द सर्वर, जबरदस्त, एक जगह अलग सर्वर पर रखना ठीक है, सेम डेटा ऑन मल्टीपल सर्वर्स, जबरदस्त, सेम गुड्स और कंटेंट ऑन मल्टीपल सर्वर्स, व्हेन अ कंपनी यूजेस मल्टीपल सर्वर्स टू रिड्यूस ट्रैफिक फॉर ईज ऑफ एक्सेस। जी हाँ, एक जगह लोड ना पड़े, तसल्ली हो, बेहतरीन। कोई नाम बताओ यार, कौन लोग क्लस्टर्ड करना चाहिए, किन वेबसाइट्स को? Amazon, Facebook, Google, सही है यार, बेहतरीन, दराज, ठीक है। अगली बात, रीसेलर, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया, कोलोकेशन। अब देखते हैं, लेकिन एक एक मैसेज में पूरा समझाना है, एक मैसेज में को लोकेशन पूरा समझाना है, गलती नहीं करनी, हिम्मत करो।
अब आई ना बात, इधर डेडिकेटेड में थोड़ा करीब होता है। जबरदस्त ये होता है कि डेडिकेटेड में, और इसमें फर्क ये है कि कोलोकेशन में सर्वर ही आपका होता है, आप मालिक होते हो सर्वर के, उधर वही किराए की मशीन होती है, आपको अलग से रेंट पे मिलती है। इधर तो पूरा आपका कोलोकेशन, इधर तो पूरा आपको उठा के सर्वर ही मशीन आप ओन करते हो। बात समझ में आई? मशीन की ओनरशिप वाली बात दिमाग में गई दोस्तों? वेबसाइट ओनर ओन्स दी सर्वर, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों इसके बाद अब आसान बातें हैं। रीसेलर वेबसाइट क्या है? मैं bluehost.com से होस्टिंग लूं और आगे आपको एक वेबसाइट बनाऊं डार्क ब्लू होस्टिंग, उधर से मैं आपको बेचूं, बोल्टन मार्केट से माल खरीदो, टाइक रोड पे अगर आपको बेचो, बादराबाद से माल खरीदो, हैदराबाद जाके आपको बेचो, इसको बोलते हैं रीसेलर वेब होस्टिंग। बस समझ में बात, मैं चाइना से माल खरीद के आऊं और चाइना से लाके मैं आपको बेचूं, क्या कहलाएगा भाई? रीसेलर वेब होस्टिंग। चाइना घूमू, इधर जाऊं उधर जाऊं और आगे बेचूं। दोस्तों ये रीसेलर है, आगे खरीदा है और आपको बेचा है। फाइल एंड इमेज होस्टिंग, इसकी एग्जांपल तो आपके मोबाइल भरा हुआ है इससे। फाइल एंड इमेज होस्टिंग, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, और बताओ और बताओ दोस्तों, और क्लाउड होस्टिंग, बेहतरीन बात कर दी, बहुत बेहतरीन बात कर दी, बहुत बेहतरीन। आई क्लाउड हो गया यार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। सही है। अगली बात है वेबलॉग, वेबलॉग होस्टिंग, ये ब्लॉगिंग आएगी, ब्लॉगिंग। ये वो लेक्चर है जो आज आपको वॉच करना होगा, मैं लिंक दूंगा ब्लॉगिंग का लेक्चर ऑलरेडी आपको इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ये लेक्चर आपको कल के लिए देख के रखना होगा, बिकॉज कल हम चैप्टर 9 की आखिरी क्लास लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ब्लॉगिंग करते ना दोस्तों, ब्लॉगिंग, अब तो ब्लॉगिंग इंस्टाग्राम पे भी होती है, ब्लॉगिंग कोई फेसबुक पे भी कर रहा होता है, ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट पे भी कर रहे होते हैं लोग। तो जो आपके अल्फाजों को होस्ट करता है वो आपका वेब ब्लॉग है, यानी वो वेबसाइट आपकी बातों को होस्ट कर रही है, चाहे आपकी बातें कैसी भी हैं, काम की हैं, बेसिक हैं, बच्चों वाली हैं, बहुत प्रोफेशनल है, वो आपको होस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं वेब ब्लॉग। हाँ भाई, चैप्टर 9 का अंदर दो हिस्से थे, ये देखो चैप्टर 9 दो बातों का नाम था। एक बात चैप्टर 9 की थी आईटी वाला एरिया, जो अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट हो गया। अब आ रहे हैं चैटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉगिंग, डिस्कशन बोर्ड, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब चीजें। ये इंशाल्लाह इसमें कुछ चीजें सिर्फ रीडिंग है, मैं अभी मार्किंग करवा रहा हूं, आप लोग सब साथ रहिएगा। चैप्टर 2 का सेक्शन 2 पहले मार्क करवाता हूं फिर पढ़ाता हूं, और इसकी पहले रीडिंग होगी फिर मैं पढ़ाऊंगा, ये कंडीशन है। बाकी सच झूठ तो अल्लाह जानते हैं, कोई अगर कम रीडिंग कर सके तो वो भी मुझे बताकर क्लास ज्वाइन करेगा कि सर मैंने रीडिंग इतनी की हुई है, मैं इंशाल्लाह रीडिंग कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये एक दफा रह गया ना यार, मैं बता रहा हूँ एंड तक बच्चा बोलता है यार ये ईमेल कौन पढ़ेगा, और ईमेल से सवाल बन जाते हैं, बोलता है डिस्कशन बोर्ड कौन पढ़ेगा, बच्चों वाली बातें, सवाल बन जाते हैं, बच्चों वाली बातें हैं लेकिन बेटा याद तो करना पड़ता है ना उन्हें भी। दिस इज हाउ स्टफ वर्क्स।
बेटा मोहम्मद अहमद, आईटी का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिकेशन से ऐसे है कि आज बिजनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आईटी के बेस पे चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने आईटी की अंडरस्टैंडिंग डाली है। वेबसाइट बिजनेस कम्युनिकेशन का एक मेजर हिस्सा है। अगली बात दोस्तों, मार्किंग करें, आ जाएं भाई प्लीज, सब लोग साथ हो जाएं, सब लोग रेडी हो जाएं। भाई सब रेडी हैं? हाँ भाई दोस्तों रेडी है सब, शुरू करूं? ओके दोस्तों, ये रोड क्या बता रहा है? क्या वो क्या शो कर रहा है बताएं? सन्नाटा रास्ता। ये आपको एक चीज बता रहे कि आगे ब्लर जरूर है लेकिन लाइन स्ट्रेट है, लाइन स्ट्रेट है। इसी तरह आगे कुछ भी हो, अगर आपका डायरेक्शन ठीक है आप सही जगह जरूर पहुंच जाएंगे। आइए बात करते हैं। दोस्तों बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको रियलिटीज पता हो। वो रियलिटीज क्या है? मैं ये एरिया तो अभी अभी पढ़ाऊंगा, राइट नाउ ये एरिया, और इसको पढ़ाने के बाद आगे चैप्टर की मार्किंग करा के फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। सब रेडी हैं? देखिए दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने हमें बहुत हेल्प की है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि इनको जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है दोस्तों? तो अब दोस्तों बात यह है कि बिजनेस, जैसे बिजनेस को चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, वैसे ही मुझे और आपको भी है। हमारी हमारी बुक ये कहती है कि भाई राइज टू सोशल डिप्रेशन, कह रहे ये सोशल डिप्रेशन बढ़ गया है जब से बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आया। सोशल डिप्रेशन बढ़ा ये एक बात,
दूसरी बात, लोगों के अंदर आइसोलेशन आ चुकी है, वो चार लोग बैठे हुए लेकिन सब मोबाइल में है। तो बुक सही कह रही है हमारी बुक कि हमारी सोशली हम आइसोलेट हो चुके हैं। एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बन चुका है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। आप रियलिटी से दूर रहते हैं, आप लाइक्स के पीछे जाते हैं, आपको फ्रेंड्स गैदर करने होते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं दोस्तों कि ये एक वर्चुअल दुनिया है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस को साथ साथ स्टडी करना और इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, देर हो गई बात। अब अगली बात, यहां तक एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज आपने सब स्टडी कर लिया। इनमें दो बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। एक बात है इसका पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर सिक्स, और दूसरे एंड पे बातें हैं पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फाइव। इनको नोट कर लीजिए, फॉर एग्जाम पर्पसेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, फॉर एग्जाम पर्पसेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस है यहां पे रोके हम। ठीक, अच्छा, चैट पे क्लियर कीजिए दोस्तों, आवाज क्लियर, सब क्लियर, बेहतरीन है। बस ठीक है दोस्तों, लेट्स रीड इट नाउ। ठीक है, डन हो गया जी। दोस्तों इसमें से एक चीज रीड कर लें, जहां मसला आ रहा है पूछें। अभी कवर हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं ये कवर हो जाए अभी। दोस्तों बताएं, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? क्लियर है ना? आपने पढ़ ली ना चीज, समझ में आ गई ना आपको? दोस्तों बेटा मैं इधर ही हूं, आपके साथ हूं। पता नहीं यार, ये आज मेरा ख्याल है बहुत दफा जो है ब्रेक आया है। मुझे आपके मैसेज इतने लेट मिल रहे हैं, आपके मैसेज मुझे बहुत लेट मिल रहे हैं। मतलब मुझे, मैं सवाल पूछ के बैठ गया होता हूँ खामोश, फिर आपके मैसेज आते हैं, लग रहा है हम वॉकी टॉकी ही बात कर रहे हैं, वायरलेस पे बात नहीं कर रहे होते, जिस तरह ऐसी फीलिंग आ रही है। एनीवेज दोस्तों आए, आगे मार्किंग कराता हूँ, नोट करें। आगे चैप्टर के एंड तक होमवर्क, रीडिंग, लेकिन स्क्रीन चेंज ही नहीं हो रही वहां पे, अब चेंज हुई। रीडिंग ऑफ, ये नेट का मसला हो रहा है दोस्तों मुझे लग रहा है आज। रीडिंग ऑफ सेक्शन नंबर टू,
मैं लिख रहा हूं और मुझे सामने दिख रहा है ऑफ चैप्टर 9। मैं अगर स्लाइड वाइज मार्क कराऊंगा तो आप और मैं पता नहीं कहां से कहां निकल जाएंगे, बेहतर है मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दोस्तों आई एम सॉरी पर्सनली कि ये इंटरनेट मसला कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आई एम नॉट रनिंग द इंटरनेट, लेकिन स्टिल आपको तकलीफ हुई। सही दोस्तों, इंशाल्लाह कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अल्लाह ने चाहा, और कल चैप्टर चैप्टर 9 दोस्तों व्हाट्सएप पे आपको फर्दर क्वेरी वहीं पे सॉल्व करवा लें, क्योंकि यहां पे तो मैसेज का मसला हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, समाजी रवाबित की वेबसाइट्स, चाहे इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को आप फेसबुक के नाम से देखें, ट्विटर के नाम से देखें, किसी भी नाम से देखें, ये सारी ही वेबसाइट आज मारूफ है और बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि इन वेबसाइट्स का अपना अपना बेशक कोई ना कोई कंटेंट होगा, कोई आईडी होगी, लेकिन इनका असल मकसद ये होता है लिंक, सामाजिक रवाबित की वेबसाइट्स का असल लिंक, लिंक कर देना लोगों को, कनेक्ट कर देना। तो ये इसका असल मकसद है, ठीक है दोस्तों। एक मैसेज, सो फार यू हैव सर्वाइव्ड 100% ऑफ योर वर्स्ट डेज, दिस शैल टू पास। क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब यह है कि याद रखें, देयर मेनी थिंग्स और जो हम गुजार चुके हैं, तो चाहे जितनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आ जाए, सिंस आप पहले भी ये वक्त गुजार चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले थ्रू हो गए, अल्लाह आपको आगे भी थ्रू कर देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये मोटिवेशन के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि यार पहले भी तो वक्त अल्लाह ने गुजार दिया है, पहले भी तो अल्लाह पाक वक्त गुजरवा चुके हैं, तो आगे क्यों नहीं, इंशाअल्लाह आसानी से हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन एक्चुअली डिटरमाइन करती है आपके एफर्ट्स को। आइए, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, दोस्तों पर्सनल इंटरेस्ट, क्या पर्सनल इंटरेस्ट? पर्सनल इंटरेस्ट दोस्तों ये कोई भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे फुटबॉल का शौक है, मुझे फुटबॉल के अलावा कोई ट्रैवलिंग का शौक है, टूरिज्म का शौक है, गैजेट्स का शौक है, इसके लिए भी लोग यूज करते हैं। ऐसा आसान बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात, बिजनेस कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। पता नहीं कितनी एग्जांपल्स आपके पास होंगी, मेरे पास होंगी, दराज है, पता नहीं क्या कुछ। आज तो जब कोविड के बाद तो अब ये ऑनलाइन चीजें बहुत बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो बढ़ चुकी हैं यानी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं बिकती थी, अब बिकती हैं, अब बहुत बिकती हैं। क्या मतलब इतनी ऑनलाइन सेलिंग बिक चुकी है, इतनी माशाल्लाह ऑनलाइन सेलिंग एक बिजनेस के पूरे, तो इसका मतलब ये चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अगली बात, बिजनेस नेटवर्किंग।
बिजनेस नेटवर्किंग का ताल्लुक है दोस्तों बिजनेस का बिजनेस के साथ नेटवर्किंग। फॉर एग्जांपल टी सेलर बिजनेस है ना, तो जो टी सेलर है वो टी के साथ, टी सेलर से मुराद टी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लिंक करते हैं अपनी चीजों को और बिस्किट सेलर के साथ और लिंक करके बेचें, कितना बेहतरीन हो जाएगा। अगली बात एंटरटेनमेंट दोस्तों कितना आसान है। एंटरटेनमेंट का मतलब दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, जहाज हो गया, वारे हो गया, ये नहीं ये रही। अच्छा जेज और राइज आपने वो एग्जांपल दिए बिजनेस नेटवर्किंग की, ठीक है, पेप्सी और लेज, हाँ ठीक है। एंटरटेनमेंट की, एंटरटेनमेंट के बारे में बताएं, एंटरटेनमेंट कैसे सोशल नेटवर्किंग यूज है, तफरी के लिए यूज करते हैं, शायद ये शायद मोस्ट कॉमन यूज है जो लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के नाम पे। नेक्स्ट बात एडवांटेजेस दोस्तों आपने रीड किए होंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं इस पे वक्त बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अगर कोई किसी में फंसता है तो एक टाइम तय कर लेंगे वीकेंड पे, मैं उस वक्त आपके पास क्वेरीज के लिए अवेलेबल हो जाऊंगा, बल्कि क्वेरीज का इंशाल्लाह कोई ऑनलाइन सेशन ही रख लेंगे, जैसे हमने कहा था यूट्यूब लाइव ब्रॉडकास्ट रख देंगे, तो तीन चैप्टर्स की क्वेरीज मैं एक साथ दे दूंगा जवाब, ये अच्छा है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, तो हम एक काम कर लेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट रख लेंगे, गपशप भी कर लेंगे, और अभी नहीं इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कल कर लें, ठीक है, सही है ना दोस्तों, बताइए आज। अच्छा जी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में और बात, डिसएडवांटेजेस है स्टूडेंट्स का एडिक्ट होना, तो इसी तरीके से लोगों को जो बुली करना, फिर इसी तरह से हैरास करना, दोस्तों ये सारी चीजें, सारी चीजें दोस्तों ये इसकी साइड इफेक्ट्स है, मतलब इसके लिए सच बात ये कि पढ़ने की जरूरत है, इनको एक दफा रीड करना इसलिए जरूरी है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार कौन सी बातें बुक में लिखी हुई है, एंड दैट्स इट, असल मकसद इनका समझना है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अच्छा अगली बात दोस्तों ये ब्लॉगिंग अलहमदुल्ला आप रीड, मतलब कितने लोग अभी वीडियो देख चुके हैं जरा बताएंगे प्लीज, और सच बताएंगे कितने लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज देख लेंगे, जी बताएं, देख लिए मोहम्मद हसनैन ने नहीं देखी और अशर ने नहीं देखी और भी कुछ नाम आ गए, ठीक है जी क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक है अच्छे लोग हैं यार आप लोग। ब्लॉगिंग के बाद दोस्तों नेक्स्ट है पॉडकास्टिंग, जी हाँ ये वीडियो ब्लॉग्स भी मतलब ब्लॉग्स की ही कैटेगरीज में एक टाइप बन गई है, एक वक्त आएगा शायद ये पूरी एक अलग टाइप बन जाए, कैटेगरी बन जाए, लेकिन बिल्कुल ये इसी की टाइप है, यू आर राइट, करेक्ट, सो करेक्ट। अच्छा भाई पॉडकास्टिंग कैसे कहते हैं, पॉडकास्टिंग यार जैसे ये अभी मैं लाइव लेक्चर दे रहा हूँ ना आपको, अब अज्यूम करें आप यूके में हैं और आप एक यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए एनरोल हुए हैं, मंडे से फ्राइडे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अब जो ये आप पढ़ते हैं ना आपका ये पढ़ना मंडे से फ्राइडे होता है, लेकिन सैटरडे संडे कुछ पॉडकास्ट होती है, क्योंकि आप तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सिंस आपकी वहां पे पार्ट टाइम जॉब है ना दोस्तों, तो अब आप क्या चाहते हैं वो समझे, आप ये चाहते हैं कि यार मेरे लेक्चर्स मिस ना हो, पार्ट टाइम मैं जॉब करता हूँ, तो यूनिवर्सिटी वालों ने पॉडकास्ट की फीचर्स निकाली हुई है। पॉडकास्ट तो अब आपको, आप गौर करें पहले वेबसाइट्स पे लिमिटेड था और बुक की थ्योरी में तो बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है पॉडकास्टिंग दोस्तों कि
एक एपिसोड्स चल रही होती हैं कि आज फर्स्ट पॉडकास्ट, सेकंड पॉडकास्ट, थर्ड पॉडकास्ट पॉडकास्ट है, और उसके ऊपर ऑडियोज आई हुई होती हैं, गपशप हुई हुई होती है और वो रिकॉर्डेड होता है। और जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे आपके पास वो अपडेटेड आ जाएगा। जैसे ये एक वेबसाइट है ACCA ग्लोबल की, नाम ACCA क्वालिफिकेशन की, तो ACCA की पॉडकास्ट रेगुलर बेसिस पे आती हैं और रेगुलर ये लोग अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब वो क्या होता है, फला बड़ा कोई आदमी है, फला कोई प्रोफेशनल है, बड़ा आदमी से मुराद प्रोफेशनली किसी जगह पे लीड कर रहा है कुछ है, तो या कोई एक्सपर्ट है, कोई टीचर है, तो उससे फिर वो लोग उनकी मैसेज या उनके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा लेते हैं और जो सुन लेता है लाइव वो सुन लेता है, जिसने नहीं जो नहीं सुनता वो बाद में सुन लेता है। अच्छा दोस्तों, जैसे ये पॉडकास्ट के तीन नाम से जरा इसको रीड करें, पूरा रीड करें प्लीज। आपको ये समझ में आया कि देखें तीन टॉपिक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट की, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक जस्ट एग्जाम्पल दी है आपको, जस्ट ये एग्जाम्पल है ना, और तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आगे देखें दोस्तों, इसको रीड करें प्लीज, थोड़ी टेक्निकल सी बात लिखी हुई है, इसको खाली रीड करें पहले, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई दोस्तों, रीड किया, शाबाश, यूट्यूब वाली बात आ गई। हाँ तो ये सीरीज वाइज चलता है ना कि टॉपिक ये, फला टॉपिक ये, वो तो नाम लग दिया डेटा 101। ये एक ये सीरीज वाइज चलता है, इसका नाम बस पॉडकास्ट हो गया। ऑडियो फाइल होती है, ऑफन MP3 फॉर्मेट में होती है। चले नेक्स्ट, अगली बात दोस्तों, एक फ्री सर्विस होती है। फ्री सर्विस क्या मतलब सर? दोस्तों फ्री सर्विस का मतलब यह है कि हाँ, ये सवाल आया है कि विदाउट इंटरनेट चलेगा। जी हाँ, एक दफा आपके पास डाउनलोड हो गया है ना, बिल्कुल विदाउट इंटरनेट चलेगा, सही है। अच्छा यार, इतना टेक्निकल करके ये बात है, आसान हमारे यहाँ जिंदगी कितनी आसान हो गई है। आप उठाएं, आप चीजें अपनी शेयर कर दें गूगल ड्राइव पे, आप शेयर करते हैं फला जगह, ये जगह, वो जगह, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, तो नहीं कितने तरीके हो गए हैं। अब मतलब कन्फाइन करना पॉडकास्टिंग के नाम से, मतलब ये या तो इसकी बाउंड्री बढ़ती चली जाएगी वक्त के साथ साथ, या फिर ये टर्म नहीं रहेगी, लेकिन होगा यही कि इसकी बाउंड्री को कुशादा कर देंगे, बड़ा कर देंगे और चीजें इसके अंदर ले आएंगे, जैसे रेडियो शोज है, टेलीविजन प्रोग्राम्स है, क्रिकेट वेबसाइट की पॉडकास्ट वगैरह, ये सब चीजें। अगली बात नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल अब्दुल रहमान, इस तरह की एप्स हैं। एडवांटेजेस क्या? कन्वीनियंस है, इजी रीच है। कन्वीनियंस क्या है, तो आईपॉड्स की एग्जांपल दे रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट ये कि वो एप्लीकेशंस होती हैं उससे पॉडकास्ट आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं पहले से, मतलब डाउनलोड होकर आ जाते हैं। एक वक्त था पहले ना कि जब वो टीवी के साथ वीसीआर लगाया करते थे लोग, सही है,
और वो चैनल्स दो ही होते थे, पीटीवी एक, एसटीएन, इस तरह। शायद 90s की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अक्सर लोगों की पैदाइश से पहले की बात है ये। तो 95, 96, बल्कि 92, 93, 94, ठीक है, सुनिएगा। तो वो जो वीसीआर होते थे वो करते क्या थे, लेट्स से दो टेलीविजन सेट है, अब एक प्रोग्राम इधर आ रहा है, एक प्रोग्राम उधर आ रहा है, उन्हें रिकॉर्ड करना है, तो वो करते क्या थे, उसको एक वीसीआर से लगा के वो कैसेट्स में रिकॉर्ड किया करते थे। बड़ी बड़ी कैसेट्स होती थी, अब मुझे को बताना है, टेप हुआ करते थे। तो ये जो पहले लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी, कोई भी चीज आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी प्रोग्राम है, कुछ है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितनी ख्वारी थी। अब तो रिकॉर्ड भी हो गया, शेयर भी हो गया, यहाँ क्लास रिकॉर्ड होती है, हमारी कोई और मशरूफियत ना हो तो मतलब हम क्लास के तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इजीली इसकी वीडियो जो है उसको रेंडर करने के बाद आराम से 1-1.5 घंटे बाद ये अपलोड हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर सब कुछ छोड़ के बैठ जाए तो फटाफट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट समझिएगा, पॉइंट, हाँ, सोशल मीडिया की वेबसाइट से भी, के थ्रू भी पॉडकास्टिंग, यूट्यूब के थ्रू भी पॉडकास्टिंग हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, समटाइम्स साइज बड़ा होगा, स्पीड अच्छी चाहिए होगी, जगह बहुत कंज्यूम करेगी। प्रोडक्टिविटी इश्यूज क्या है, यार प्रोडक्टिविटी इश्यूज तो आपके सामने आ चुके कि जब से ये ऑनलाइन हुआ है और चीजें ऑनलाइन गई हैं, तो ऑनलाइन जाने से एक चीज तो आपको और हमें फील हो गई है कि लोग मोबाइल्स के साथ पढ़ते भी हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। और ये भी सबने मान लिया है कि यार जो क्लास वाली बात है ना, वो कभी भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार क्लास की चीजें रिप्लेस हो गई, ऑनलाइन इज एवरीथिंग, कभी भी नहीं हो सकता, नेवर। हम पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट टू बी बिट फ्रैंक विथ यू, मी विथ माई अदर टू फेलोज, वी स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग इन 2015, 2015, परहैप्स आप अपने सेकेंडरी क्लासेस में होंगे। तो जी रोशन, ये ऐसे ही होता है, आप लोग सही समझ रहे हैं। तो हम 2015 में हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन टीचिंग, वी वेरी एक्साइटेड, अपने प्लेटफॉर्म, अब पता नहीं क्या कुछ, या अपने लिए बहुत कुछ वर्किंग करी, एंड उस वक्त से लेके अभी तक ऑनलाइन का माशाल्लाह इतना तजुर्बा हो गया, आज जाके भी हम ये कहते हैं कि फिजिकल जो भी सेटअप होता है वो उसका कोई मैच नहीं होता, लर्निंग, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लास्टिंग, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात, नेक्स्ट बात है दोस्तों, डिस्कशन बोर्ड्स। डिस्कशन बोर्ड्स आपने कभी देखा है गूगल पे? चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, कोई देखा एग्जांपल? हाँ, जैसे कोरा ऐप है, कोरा है, और बताओ, कभी आप गूगल पे जाकर कोई सवाल करते हो, व्हाट टू डू विद दिस, व्हाट टू डू विद दैट, हाउ टू डू दिस, जैसे आप करते हैं ना, तो वो बहुत सारे लिंक्स आते हैं। तो सर्च रिजल्ट्स में से कभी ऐसा होता है कि किसी ने क्वेश्चन पहले 10 साल पहले किया होता है और लोगों ने उसको 25 जवाब दिए होंगे और लोग उसको जवाब दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो एक बड़ी थ्रेड बनी हुई होती है। इसमें दो तरह के डिस्कशन बोर्ड होते हैं, एक डिस्कशन बोर्ड ये होता है कि जिसके अंदर कोई मॉडरेटर होता है, वो इंसान का बच्चा बना के रखता है, ग्रुप के ऊपर मैसेजेस ऑफ रखता है, उसको पता होता है ये आवाम ऐसी है कि ये इनको जैसे ही आप मैसेज अलाउ करेंगे ये शुरू हो जाएंगे, ये जैसे आज रात आ रही है ना, तो जुम्मा मुबारक का मैसेज करेंगे, सुबह बखैर का मैसेज करेंगे, काम के काम नहीं करेंगे, जो करने वाले काम है वो नहीं करेंगे, जुम्मा मुबारक करेंगे। अरे भाई, जुम्मा मुबारक बोलने से नहीं होता, करने से होता है भाई, काम करने से। तो पॉइंट समझे ना यार, पॉइंट समझे, जो प्रैक्टिकल काम है आप किसी को विश भी करते हैं, भाई हैव अ ब्लेस्ड डे, ये ठीक है, बट द पॉइंट इज डू समथिंग टू मेक दैट डे ब्लेस्ड, तो मतलब ब्लेस्ड बनाने के लिए कुछ करो ना। तो मॉडरेटेड वो ग्रुप होता है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन अनमॉडरेटेड वो होता है कि जिसके अंदर इजाजत होती है कि सब लोग पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं और शायद जहां पे मैनेज करना मुश्किल ना हो, इजीली हो जाता है, ठीक है। ये अब डिसीजन बोर्ड वेबसाइट की सूरत में भी होता है, और ना सिर्फ वेबसाइट की सूरत में दोस्तों, बल्कि ये तो आप व्हाट्सएप के अंदर भी ग्रुप बना सकते हैं। एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं, एक डिस्कशन एनवायरनमेंट होता है, और इसी तरीके से दोस्तों ये भी होता है कि एक
एक डिस्कशन का एनवायरनमेंट बनता है, बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका मिलता है। जब आप लोग बार 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 लिख रहे होते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी हैबिट्स, उनकी दूसरी स्किल्स बढ़ती हैं। ऑनलाइन सोसाइटी से फायदा ये भी होता है कि मैं अगर 2 हफ्ते के लिए कहीं गया हुआ था, 2 हफ्ते बाद आया तो मैं 2 हफ्ते के बाद पूरी वो डिस्कशन देख लूंगा कि यार थ्रू आउट द वीक क्या अपडेट्स आई। और एक वक्त आता है कि उन्हीं ग्रुप से लोग फिर, मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वक्त भी आता है कि लोग उन्हीं ग्रुप से फिर एडवर्टाइजमेंट की बातें करते हैं कि यार इधर रश बहुत है, इधर एड्स लगवा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहां पे ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नंबर टू पूछा है कि नंबर टू समझा दें। नंबर टू लिखा हुआ था ऐसा एनवायरनमेंट ही बनाते हैं। देखिए बात सुने, 2012 में मैंने एक पोस्ट की थी और उसके ऊपर मैंने कोई सजेशन दिया था और सजेशन वर्क कर गया। आज आपको जरूरत पड़ती है, आप गूगल पर सर्च करते हो, गूगल या वो डिस्कशन बोर्ड पे पहुंचते हो, मेरी 2012 की चीज मौजूद होगी ना तो आपको फायदा होगा ना उससे। ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अभी जिस तरह हमने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस कवर किए, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इसमें बताओ कोई चीज समझ में ना आई हो तो। शाबाश, सवाल आया है प्रीडेटर किसे कहते हैं, जी को बता सकते हैं? अटैक करने वाले को प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है, अटैक करने वाले को प्रीडेटर कहते हैं, सही है। डिस्कशन बोर्ड वेबिनार और जूम नहीं हुआ? नहीं, गोटू वेबिनार और जूम नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं हुआ। कोई बता सकता है डिस्कशन बोर्ड वेबिनार, गो टू वेबिनार और जूम क्यों नहीं बनेगा? ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, सही है, ये नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा दोस्तों, ये तो वो होता है यार, लाइव सेशन होते हैं ना तो हमारी चैट दुनिया भर के लिए महफूज हो जाती है, कोई भी आके इस चैट को यूटिलाइज कर लेगा। नहीं ना यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे कैसे कोई भी आ जाएगा। सही है, कुछ क्लियर हुई बात? हाँ भाई बोले, डन हुई बात? हाँ, डिसीजन बोर्ड के लिए क्या होता है कि वो एक चैट का लॉग मेंटेन हो जाता है आगे वाले लोगों के लिए, उनके लिए भी। ठीक है, डन है, चले आगे बढ़ते हैं मजीद। नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों? दोस्तों नेक्स्ट कोई और सवाल है इसके अंदर, इसी के अंदर कोई और सवाल? नहीं, चल SMS और टेक्सटिंग। दोस्तों ये बस बेटा, इसमें तो मुझे आपसे, मतलब इसका तो आप लोग सबक दे सकते हो ना, सही है, इसका तो आप लोग आगे सबक दे सकते हो, ठीक है, पढ़ा सकते हो। ये SMS टेक्सटिंग का ताल्लुक वो वाली मैसेजिंग है जो पहले हुआ करती थी, व्हाट्सएप की बला आने से पहले और ये सब चीज़ों के आने से पहले, जब हमें एक मैसेज 7 रुपये का पड़ता था, फिर 5 रुपये का, फिर 3 रुपये का, फिर 2 रुपये का,
ये वो वाले वक्तों की बात है। हाँ जी, 3310 वाला वक्त है, 2100 वाला वक्त है जी। ये जो आएगा ना इंस्टेंट मैसेजिंग, इसका ताल्लुक किससे है दोस्तों, बोलो अब बताओ कौन सा है। जी भाई, 7 रुपए का एक मैसेज, वो वक्त कैसे भूल सकते हैं जब इन्होंने लूटा था, खूब लूटा गया था उनके। मुझे तो ये रिपोर्ट्स थी कि मतलब रिपोर्ट के मेरे इल्म के मुताबिक इस तरह था कि जो लोग जानते थे वही कहते थे कि भाई इनको टेक्सटिंग की कोई अलग से कॉस्ट नहीं आती कंपनीज को, इसको चार्ज करते रहते हैं बस, लेकिन फिर भी एक चार्जिंग का बहाना है, चार्ज करते हैं, चलेंगे। अगर कॉस्ट होगी भी तो बहुत कम होगी। ये जो व्हाट्सएप और मैसेंजर है ना दोस्तों, ये चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग कराता है, ये कॉस्ट सेविंग इसका फायदा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। दोस्तों वक्त कम लगाइएगा इन जगहों पे, सही है। डिसएडवांटेजेस, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आउट हो जाती है, स्क्रीन शॉट बन जाते हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग। इसी तरीके से कंपैटिबिलिटी के मसाइल होते हैं। वैसे व्हाट्सएप तो हर जगह कंपैटिबल है, लेकिन एक वक्त था कि ब्लैकबेरी के अंदर बीबीएम था, ब्लैकबेरी मैसेंजर था, तो जो लोग बीबीएम वाले होते थे बड़े यूज्ड टू होते थे ब्लैकबेरी मैसेंजर के साथ, लेकिन दूसरों के पास, एंड्रॉइड वालों के पास, आईफोन वालों के पास बीबीएम नहीं हुआ करता था, ठीक है, और उनके पास बीबीएम नहीं हुआ करता था, तो बीबीएम ना होना कंपैटिबिलिटी का मसला था। इसी तरह डिस्ट्रैक्शन होता है, आप बैठे होते हैं, पता नहीं, जैसे मैंने वो भी जो आपने वो छोटा सा मैसेज सुना टाइम टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने ये बात की थी कि व्हाट्सएप बात बात पे आपको तंग कर देता है, आपको नोटिफिकेशंस बंद करनी पड़ेंगी अगर आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, ताकि आपको मोबाइल रूल ना करे, आप मोबाइल को रूल करें। फिर हाउ इट वर्क्स, दोस्तों बेटा ये बहुत मुश्किल एक एरिया है उसके लिए जिसने दुनिया में अभी कदम रखा है आईटी की। बेटा कितनी मुश्किल बातें हैं, जरा देखो हाउ इट वर्क्स। वाह, ईमेल कैसे वर्क करता है, सिंक्रोनाइजिंग ईमेल। बेटा ये कोई मेरी हेल्प करे यार, ये कैसे पढ़ाना है। आगे ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, टू लिखते हैं, फ्रॉम होता है, सीसी, सब्जेक्ट। यार बेटा ये अल्लाह खैर करे यार, ये तो रिसीविंग, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग। अफसोस है बेटा, सच बात यह है, टॉपिक के नाम पढ़ो, अटैचमेंट्स, यूजिंग फोल्डर्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, व्हेन टू यूज डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हद है यार, हद है। ईमेल एटिकेट्स कह रहे हैं, ईमेल के एटिकेट्स तरीके क्या होते हैं, सोच के भेजो। दुनिया में हर काम सोच के किया जाता है भाई। ईमेल इज अनसिक्योर एंड नेवर प्राइवेट। आप ऑनलाइन कुछ भी करेंगे, कोई चीज प्राइवेट नहीं होती यार। टेक केयर विद सार्केज्म एंड ह्यूमर, एक हद तक मजाक करो। बी केयरफुल व्हेन फॉरवर्डिंग और रिप्लाइंग टू ऑल, यूज क्लियर एंड स्टैंडर्ड ग्रामर एंड पंक्चुएशन। दोस्तों अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस ईमेल्स और अटैचमेंट्स, अवॉइड सेंडिंग सेंडिंग ओवरली लार्ज अटैचमेंट्स अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, कीप इट सिंपल। दोस्तों फिर आगे ये वाली बात वापस रिपीट हो गई, वाई इज वीडियो। अच्छा रुक जाए दोस्तों, सच बात यह है कि इंसान को शर्म आ जाती है ये बात देखते हुए कि हमारे कोर्स मटेरियल में ऐसी बातें शामिल हैं। यार हम कहने को यार सीए, इतनी ऐसी तालीम जिससे हम दूसरों को समझते हैं कि अबे यार हम क्या पढ़ रहे हैं यार, यार हमारी टेक्स्ट बुक में क्या मटेरियल लिखा हुआ है। मतलब आप कोई कुछ भी बोल दे, कोई कैसी बात करे, सच बात ये कि यार कुछ कुछ तो सेंस होती है यार। ये क्या मटेरियल है, इसकी जगह आईटी की कोई चीजें और डाल देते, कुछ और पका, कुछ कुछ भी और पढ़ा देते यार। ये इतने ऐसे टॉपिक्स जिसको पढ़ के भी इंसान बक, और आप हैरान होंगे, मैं आपको हैरानी की बात बता रहा हूँ, आप बोलेंगे यार सर ने इतना टाइम क्यों लगाया इस पे। यार सच तो ये कि चैप्टर कल ही मैं ओवर कर देता अगर यही बातें थी। नहीं बेटा ये हुजैफा ऐसा नहीं है, ये कोई इतना कर देता कि बिजनेस कम्युनिकेशन में मोटिवेशन, मोटिवेशनल टॉक, किसी को कोई डिप्रेशन में है तो उससे कैसे बात करनी है, किसी अपने फैमिली में कैसे बात करनी है, इंसान को कॉर्पोरेट लाइफ और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है,
ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जो मुझे बुक में नहीं मिलते, तभी मैं चाहता हूँ मैं इन पे क्लिप सुना बना के डालूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को सर्व करूँ, आगे मेरे स्टूडेंट्स जाएं वो दुनिया को सर्व करें। यार ये असल हमारे पर्पस है कि यार हम जो आपको दें आप फैलाओ पूरी दुनिया में जाके आगे, और आप में से हर एक बंदा जो है ना, हर एक बंदा एक अच्छा स्पीकर हो, एक अच्छा इमोशनली मैनेज एंड कंट्रोल इंसान हो, जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स आती हो, वो कोई मशीन टाइप आदमी ना हो। तो देखो यार ये बात गौर करो, देखो ये कोई, आप खुद बताओ, ईमेल एटिकेट्स यार, ये ईमेल की बात है यार, मतलब शायद क्लास 2-3 में आप पढ़ा देनी चाहिए यार, बल्कि शायद बच्चा उससे पहले ईमेल सीख चुका होता है यार घर में देखते हुए। लेकिन दोस्तों जो सबसे डिप्रेसिंग बात है, जो मतलब डिप्रेसिंग क्या है यार, जो है वो तो पेपर में आना है, वो अपनी जगह है, बट आप लोगों से ऑन अ ब्रदरली नोट, लाइक अ कोच एंड अ मेंटोर, मैं आपसे ये बात शेयर करता हूँ यार, इज दिस इवन वर्थ स्पेंडिंग टाइम, ये टाइम स्पेंड करने की चीज है। ईमेल है आज एक फोरम, पता नहीं क्या कुछ बन चुका है, लोग डिजिटल मार्केटिंग पे चले गए हैं, बिजनेस पूरे बिजनेस मॉडल ऑनलाइन आ चुके हैं, कितनी अहम बातें, लेकिन तंग करती हैं ये बातें, मतलब जोक्स अपार्ट हम इस पर तफरी कर सकते हैं ईमेल कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने वो थोड़ी सी आपको एक ऐसी लाइट से ह्यूमर किया, उसके बाद मैंने बोला यार ये तकलीफ देता है मुझे, ये तकलीफ देता है यार, ये क्या हरकत है। लेकिन दोस्तों इससे तकलीफ देह बात ये है कि ईमेल से पेपर में सवाल बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, अक्सर के बन जाते हैं। तो भाई आपको चाहे जितना अच्छा आता हो दोस्तों, आप इसको फिर भी रीड कर लीजिएगा मेरे लिए पेपर से पहले एक दफा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी अगर देख लें तो ऊपर से देख लें, अभी एक दफा देख लें, एक दफा पेपर के वक्त देख लीजिएगा बस। जी दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, छोड़िएगा नहीं प्लीज, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों, व्हाट्सएप की वीडियो, ग्रुप कॉल, स्काइप, आप लोग तो अपने बचपन से देख रहे हैं, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ही शक्लें हैं। अब देखें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों इतनी पॉपुलर है यार, सिंपल सी बात है, पहले देखो मैं इसकी पूरी थीम समझाता हूं, देखते जाओ। देखो पहले क्या होता था मेरे दोस्तों, पहले कुछ ये होता था कि ये देखना जरा यार, पहले ऐसा होता था कि एक बिजनेस है, उसकी दुनिया में 3 ब्रांचेस है, 3, एक बिजनेस की दुनिया में कितनी ब्रांचेस हैं, 3, 1, 2, 3, और वो 3 ब्रांचेस को जब एक्सपेंड करके 30 ब्रांचेस पे ले गए, अब उन 30 ब्रांचेस के हेड, ब्रांच हेड, इनकी मीटिंग थी, तो इनकी मीटिंग करने के लिए कराची को सेलेक्ट किया गया, मोवेनपिक होटल में 2 डेज स्टे उनको दिया गया, कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया गया, वगैरह वगैरह। यार आसान लफ्जों में ये हुआ, अब इनको बोलते हैं बेटा आप अपने घर में बैठो, हम यहाँ से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, मुश्किल खत्म। तो ये हुआ है, क्या चाहिए होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो इनपुट, वीडियो इनपुट का मतलब वेबकैम कैमरा, वीडियो आउटपुट का मतलब दोस्तों कंप्यूटर प्रोजेक्टर टेलीविजन, ऑडियो इनपुट का मतलब दोस्तों माइक्रोफोन, ऑडियो आउटपुट मतलब लाउड स्पीकर हेडफोन्स, डेटा ट्रांसफर इंटरनेट चाहिए होगा आपको, कंप्यूटर्स आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा कि डेफिनेटली आप देखें ये यहाँ पे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये जिस जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है वो G2M है, उसको कन्वर्ट करते हैं MP4 में, फिर लेक्चर रेंडर होता है, फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर अपलोड होता है तो पीछे ऑटोमेटिकली कंप्रेशन टूल्स एनेबल हो जाते हैं एंड सो ऑन। अगली बात, अब कुछ कुछ कंप्यूटर सिस्टम ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड है, जो बने ही इसलिए हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। दोस्तों आपको 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ कई
कराची इलेक्ट्रिक इस वक्त कुछ खिदमत कर रही है हमारी, उस खिदमत के लिए मुझे थोड़ा सा 2 मिनट पॉज लेंगे हम, प्लीज वेट। जिन्होंने रीडिंग नहीं करी हुई वो यहाँ से एटलीस्ट आगे एक नज़र देख लें ताकि उनको रिमेनिंग लेक्चर समझ में आ जाए। बस हम ये एरिया कवर करके फिर क्लास को अपनी ऑफ करेंगे। अच्छा जी दोस्तों चलें, वेलकम बैक। डेडिकेटेड सिस्टम दोस्तों वो होंगे, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी प्लीज क्लियर करें, आवाज क्लियर है? अच्छा जी, डेडिकेटेड सिस्टम वो होंगे जो बने ही इसलिए हैं, जिसका पीसी, जिसकी चीजें बनी ही बनाई गई इस नीयत से है कि भाई इस पे क्या करना है दोस्तों बताएं। क्यों? क्योंकि वो बने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो हर चीज उसकी इसी के हिसाब से। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप से, सिंपल लैपटॉप जो वैसे हर काम के लिए यूज कर रहा होता हूँ, उसी लैपटॉप से ऑनलाइन हो जाऊँ तो उसको डेस्कटॉप सिस्टम कहेंगे। पता ही चला कि पता ही चला दोस्तों के जिनको बहुत ज्यादा काम होता होगा वो डेडिकेटेड सिस्टम चलाते होंगे, और जिनका बहुत ज्यादा काम नहीं होता होगा वो सही है वो डेस्कटॉप चला लेते होंगे। फॉर एग्जांपल गपशप करनी होती है, कभी कभी भी कर लेते हैं गपशप जब मौका मिलता है तो दोस्तों, फिर तो कोई मसला नहीं है। न्यूज में जो सिस्टम, हाँ न्यूज में जो सिस्टम यूज होते हैं टीवी चैनल वालों के पास, जी दोस्तों उसको बिल्कुल हम डेडिकेटेड ही बोलेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगली बात दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेटा इसको पढ़ लें, अभी अभी रीड कर लें, जिन्होंने रीड कर लिया वो मुझे बता दें। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कोई मसला होगा अभी पूछें प्लीज। हाँ भाई बताओ दोस्तों, आप दूर से हायरिंग कर सकते हैं, आप उनके इंटरव्यूज कर सकते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ कोनों के जो लोग हैं वो एक ही टाइम पर जमा हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जी क्या पूछा है आपने? इसका मतलब होता है बेसिक्स, बेसिक्स बेटा बेसिक्स। रूडिमेंट का मतलब होता है बेसिक्स। जी नेक्स्ट लिमिटेशंस पे आओ, अब बताओ दोस्तों थोड़ा समझाया था। समटाइम्स क्योंकि कैमरे में देख रहा था बंदा कहीं और देख रहा होता है, आप स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो लगता है वो आपको नहीं देख रहा, ये भी होता है। अब पेरेंट्स कॉन्शियसनेस ये होती है, कुछ लोग कैमरे पे आने पे ये करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि यार अभी हमें स्क्रीन पे देखा जा रहा है, ये वो बातें उस वक्तों की हैं जब लोग जो है ना वो मतलब क्या बोलते हैं, अब ऐसी बातें आई डोंट बिलीव के ये होगा कि लोग सामने आते हुए ये सारी वो वाली बातें दोस्तों के जिसको शायद पहले बुकिश कह सकते थे हम, पहले बातें थी किसी हद तक रियलिटी भी होंगे, लेकिन यार अब इनको रियलिटी कहना ना ये इंसाफ नहीं होगा यार, ये इंसाफ नहीं होगा। हाँ होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब यार चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दोस्तों ये है बिल्कुल, क्योंकि स्पीड वेरी करती है सिस्टम्स की,
जैसे ऑनलाइन क्लासेस की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के होंगे। और साथ साथ टेक्नोलॉजी में ये भी कि यार एक डिवाइस लेते हैं, कंपेटेबिलिटी का इशू, स्पीड का इशू, सारी टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं। लिमिटेड नॉन कमर्शियल टेकअप, ये इन्होंने फिट किया है इसके अंदर। यार इसको अगर समझा देता हूँ ये दोस्तों, उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद बिना ये कमर्शियली यानी जहाँ बिजनेस मेकिंग वाली चीज़ें, ये यार मतलब मैं इसकी वैलिडिटी पे कुछ नहीं बोल रहा ये कितना वैलिड है, लेकिन लिमिटेड नॉन कमर्शियल टेकअप का नाम याद रख लेना कि ये लिमिटेशन है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इन्वायरमेंट्स में यूज नहीं हो रहा, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने 2010 11 12 जो फर्म कह रहा था हमारा, फिर अपने कामकाज में, अपने बिजनेस, अपने एक्टिविटीज में मैंने ये बाकायदा फील किया कि ऐसा नहीं है कमर्शियली ये बहुत बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये कह रहे हैं कमर्शियली यूज नहीं हो रहा। एंजाइटी, आखिरी बात लिखी हुई दोस्तों, एंजाइटी का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग कैमरे पे आगे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और ये कह रहे हैं इतनी एंजाइटी होती है कि उनके सोशल एंड मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा ज्यादा चले गए हम आगे, लेकिन सही है। ये कह रहे हैं यार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होगी लाइव, आप लाइव हो गए, आप कराची से हो गए, लोग इस्लामाबाद से लाइव होंगे, मशवरे दे रहे होंगे, तो आपकी टेंशन में तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह ताला बस ये क्या लिखा है ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये तो वो बंदे का भी मसला होगा ना यार, ये तो स्पेसिफिक इशू नहीं है, तो उसका भी होगा जो मीटिंग से घबराता है, जो लोगों के सामने आने से घबराता है। ऐसे लोग होते हैं मीटिंग्स में नहीं बोल पाते, वो उनकी जबान रुक जाती है, ये वो अलग चीज है यार। कैमरा शायद तो बिल्कुल, कैमरा शायद, देखिए कैमरा शायद का मैं यूं समझाता हूँ आपको बेटा। देखिए एक चीज होती है शायनेस, शायनेस का ताल्लुक ना एक एटीट्यूड से होता है। बल्कि मैं आपको चले क्लियर करता हूँ ये बात कि शायनेस का उर्दू तर्जुमा या किसी चीज के सामने आते हुए घबराना ना, शायद एक नेगेटिव वर्ड है। तभी हम कहते हैं जो हया का वर्ड है, हया, हया का कोई इक्विवेलेंट टर्म नहीं है इंग्लिश में। हया की कोई इक्विवेलेंट टर्म नहीं है, सही है, इंग्लिश में। तो हम ये कहते हैं कि पैनिक अटैक या फॉर एग्जांपल कैमरा आता है तो वो घबरा जाते हैं। हाँ उनको लगता है पता नहीं यार मैं कैसे डिस्प्ले हो रहा हूँ, ये आप सही कह रहे हो ऐसा होता है, लेकिन वो अपीयरेंस कॉन्शियसनेस में आना चाहिए और लिंक करके उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज बिल्कुल होने चाहिए, सही कह रहे हैं आप। हो सकती है, लेकिन 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 इसके साथ साथ अब लोगों को इसमें कंफर्टेबल भी किया जा सकता है, ठीक है। हाँ मॉडेस्टी जो है ना अब्दुलरहमान, वो भी हया के लिए इक्विवेलेंट टर्म नहीं है, हया कुछ और चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक राइट है और आपको वो राइट मांगना चाहिए, आप कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, तो दैट शर्म इज नॉट हया, आई एम शाय कि मैं उसको बोलूंगी हटो यहाँ से, ये लेडीज की जगह है, आई एम शाय कि मैं उसको बोलूं मेरे 6 रुपए वापस करे जब मैंने उसको 1000 रुपए दिए। ये शर्म और शाइनेस यार इंशाल्लाह इस पे किसी वक्त अल्लाह ने चाहा ये हमारे टू डूज में शामिल है, हमारी आपसे कभी इस पे बात नहीं हुई, इंशाल्लाह मौका लगेगा हम उससे बात करेंगे। हया होना इज समथिंग इंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम दी वर्ड्स लाइक शर्म, वर्ड्स लाइक शाइनेस, वर्ड्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं, हया इटसेल्फ उसकी अपनी एक डेफिनेशन है कि हया इज समथिंग के जहां अल्लाह नाराज हो रहे हो और जहां मतलब जहां जो काम गुनाह है मैं उस काम से हया करूंगा चाहे दुनिया कुछ बोले, और जिस काम से अल्लाह नाराज नहीं होते, अल्लाह ने मुझे राइट दिया मैं वो करूंगा चाहे 1000 लोग उसमें शर्म महसूस करें। फॉर एग्जाम्पल खाने के बाद उंगलियां चाटना ना, अब कोई अगर शर्माता है प्लेट चाटने में और अपनी फिंगर्स को लिक करने में शर्माता है, वो इतनी बड़ी सुन्नत से महरूम हो रहा है, तो उसकी शर्म इज नॉट इक्वल टू दीनी हया। आप कहें उसको पता नहीं कौन सी हया आ रही है, लेकिन वो हया जो आपके अंदर रिलीजन बिल्ड करता है वो एक्चुअली ट्रू हया होती है, जो आपको एक्चुअली अपने रब के सामने कयामत के दिन शर्मिंदा होने से बचाती है। एनीवेज ये सारी वो बातें हैं जो बिहेवियरल इम्पैक्ट्स हैं। इंशाल्लाह ताला अब हम बढ़ेंगे आगे दूसरे चैप्टर्स की तरफ। नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट है जिन चैप्टर्स का वो